हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज बेस्ड क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस बाल वाटिका रिक्रूटमेंट के बारे में। एक केवीएस का नया रिक्रूटमेंट है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको बता दें, केवीएस ने एक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट चलाया था, ठीक है, जिसका नाम था बाल वाटिका। ये था, देखिए, जिसका उम्र बच्चे के लिए चलाया था, जिसका उम्र 5 साल से अधिक हो, 6 साल से कम हो, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, एक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट चलाया था, जिसको सफल पाया इन्होंने। और इसी के बिहाफ पर 450 स्कूल, ठीक है, फिलहाल 450 स्कूल के लिए इन्होंने टीचरों के रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ये संविदा पर होंगे, आप जो टीचर बनेंगे संविदा पर हायर किए जाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। पहला डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, कल निकाल देंगे, देखिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको हायर किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी ये प्रोसेस पूरे भारत में चल रहा है, यानी संपूर्ण भारत में केवीएस बाल वाटिका के नाम से, बाल वाटिका 3 के नाम से हर जगह आपको देखने को मिलेगा स्कूल। इसके बारे में हमने पूरी लिस्ट जारी की है, कहां कहां पर बाल वाटिका स्कूल है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि आप नॉलेज रुबिया, ठीक है, इस चैनल के, ठीक है, जो मेन चैनल है, उस पर मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो बता दूं आपको कि आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जब जाएंगे इस चैनल के, तो वहां पर आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा जिसको लिखा होगा फर्स्ट चैनल। उस चैनल पर क्लिक करिएगा, वहां पर आपको फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से स्टेट में ये वैकेंसी आई है केवीएस बाल वाटिका की। अगर नहीं चाहते, ठीक है, आपको बता दूँ, एक दूसरा मेथड, आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उसके लिए मैं बता दूँ कि आप डायरेक्ट चले जाइएगा अबाउट सेक्शन में, इसको भी अबाउट सेक्शन से आप डाउनलोड करेंगे तो टेलीग्राम के लिंक आपको आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ वैकेंसी आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। आपको बता दूँ कि बाल वाटिका के लिए, केवीएस बाल वाटिका के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर दिल्ली का बताइए, सर हिमाचल प्रदेश का बताइए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर लखनऊ का बताइए, जम्मू का बताइए। तो हम आपको बता दें कि हर एक वैकेंसी को 1 by 1 लाया जा रहा है, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अल्मोड़ा के बारे, उत्तराखंड के केवीएस अल्मोड़ा के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड की वैकेंसी के बारे में। उससे पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं खुद से ट्राई करना, तो आपको केवल करना क्या है, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं केवीएस आपको लिखना है, केवीएस दिल्ली लिखेंगे। अब यहाँ पर वैकेंसी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर कहेंगे सर ऐसे हम कैसे पता करेंगे, ऐसे हिडन ट्रायल हो गया, तो आप डायरेक्ट जाइए लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए ज्वाइन कर लीजिए। आप कहेंगे सर आप लिंक क्यों नहीं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते, देखिए बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन से अच्छा है कि आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, आपको हमेशा वहाँ देखने को मिलेगी लिंक, और उससे आप फेक चीज़ें नहीं होंगी। कहने का मतलब आप मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम वाले, और किसी को नहीं, जिससे क्या होगा आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल जाएगी। और एक आपसे एक शिकायत है और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी देखिए वीडियो अभी मैंने बनाया है, ठीक है, 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, लगभग 5 दिन होने वाले हैं, उस पर लगभग 2K प्लस व्यू हो गए, लेकिन उस पर आप लोग ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग केवल स्किप कर दे रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है कमेंट्स करके बताइए हमें कि क्या चीज़ें समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई और अच्छे से हम बताएंगे। क्या आप चाहते हैं कमेंट्स करके बताइए जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जब सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है किसी चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। और ये बताना इसलिए मुझे कंपलसरी हो गया क्योंकि बच्चे यही करते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा के बारे में, ठीक है। इसमें मैं बता दूँ, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 25 जुलाई को आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। एक चीज़ बताऊँ, आपको डायरेक्ट जाना है इसके लोकेशन पर, कहाँ पर, ये देखिए केवीएस विद्यालय मोड, ये देख रहे हैं अल्मोड़ा, ये एड्रेस पर आप पहुँच जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा क्या है, 25/7/2023 को केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा में साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके लिए जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं, जो भी पात्र हैं, उनको 9 से 10 बजे तक, ठीक है, 9 बजे पहुंचकर 10 बजे तक, 9 से 10 के बीच आपका पंजीकरण होगा। आप जाएंगे वहाँ अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू में सम्मिलित होंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको क्या लेके जाना होगा, आपको ले क्या जाना होगा बता दूं कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और यहाँ तक कि आपने जो डिग्री जो भी कोर्स किया है, ठीक है, क्योंकि आप भाई ये जो है स्पेशल स्टूडेंट्स के कहने का मतलब, ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। ये 12 पास की वैकेंसी है, जो बच्चे सुन रहे हैं 12th पास की वैकेंसी, आपने 12th किया है, कहीं से भी किया है,
डजन मैटर, बस ट्वेल्थ में आपके 50% होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बता दूं कि आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए। पहली कंडीशन है ट्वेल्थ पास, दूसरी आप डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा आपने किया है किस में, आपका डिप्लोमा नर्सरी में होना चाहिए, नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा हो, ठीक है, ENT, या फिर प्री स्कूल में आपका, ठीक, प्री स्कूल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा हो, या फिर DECED, ठीक है, इसमें डिप्लोमा हो, या फिर BSc, ठीक है, या फिर BEd, ध्यान सुनिएगा मैं बता रहा हूँ, BEd नर्सरी, इसमें आपने डिप्लोमा किया है, दो साल का कोर्स होना चाहिए कम से कम। अगर आपने किया है तो आप रजिस्टर, आप हैं एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब बच्चे वो कंप्लेन करेंगे, सर हमने केवल BEd किया है, हम जनरल BEd वाले हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, ये क्वालिफिकेशन उन्हीं के लिए, आप जनरल BEd वाले अप्लाई मत करिएगा, नहीं आप जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन्होंने जो क्वालिफिकेशन बताया उसको मैंने बताया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। देखिए इन्होंने क्या बोला है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका फोटोकॉपी ले लीजिए, उस पर साइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उस समय, क्योंकि उस समय जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने के लिए भेजा जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप ये सोच रहे हैं कि हम इंटरव्यू दे जाएंगे डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 9 से 10 आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी आप जब वहाँ जाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद अपना पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करवाएंगे, उसके बाद ही आपके इंटरव्यू को देने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम अल्मोड़ा के बारे में बता दिए और क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिए, इसी तरह हर एक स्टेट की वैकेंसी को हम लाते जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अगर आपको कोई जानकारी न समझ में आए तो आप बेहिचक कमेंट्स कर सकते हैं, और टेलीग्राम और नए मेरे जो पहला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली आप अपडेट्स वहीं प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं KVS के बारे में बताता हूँ, ठीक है, वहाँ पर हर एक जॉब के बारे में पता चलेगी, सारी जॉब की डिटेल्स कंप्लीट डिटेल मैं वहीं एनालिसिस करता हूँ, ये याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।